हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में। तो सबसे पहले अपनी जो लिस्ट है उसमें आता है सबसे नंबर वन पर गिरो ऐप, जिसकी गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है 4.6 out of 5। इसके बाद हमारा जो सेकेंड नंबर पर आता है ICICI डायरेक्ट ऐप, इसकी जो गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है वो है 4.4। इसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर पर जो कि है 5paisa ऐप, इसकी जो है गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है 4.3, जो कि दोस्तों आपकी 5 में से इसकी 4.3 रेटिंग है। इसके बाद आपका फोर नंबर पर आता है जीरो द काइट, जिसकी ये गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है 4.2। इसके बाद हमारा आता है 5 नंबर पर अप स्टॉक्स ऐप, और इसकी 4.2 रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर। इसके बाद हमारा 6 नंबर पर आता है एडलवाइस ऐप। एडलवाइस ऐप हमारा, इसका जो गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है वो 4.2 है। एंड इसके बाद हमारा आता है 7 नंबर पर गूगल प्ले स्टोर पर, इसकी रेटिंग है 4.2 और इसका नाम है फायर्स। और हमारा जो 8वें नंबर पर आता है एंजल वन, आपने बहुत ही सुना होगा, एंजल वन के एड्स ही बहुत सारे आते रहते हैं। तो हमारा 8वें नंबर पर आता है एंजल वन, तो इसकी जो गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है वो है 4 out of 5 में से। इसके बाद हमारा 9th नंबर पर आता है पेटीएम मनी ऐप, और इसकी गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है 3.8। और इसके बाद हमारा जो टॉप 10 नंबर पर आता है एलिस ब्लू ऐप, इसकी जो गूगल प्ले स्टोर रेटिंग है वो है 3.3। तो ये हमारे जो है टॉप 10 इंडिया के जो हमारे ट्रेडिंग ऐप्स हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे फर्स्ट नंबर का जो है ग्रो ऐप के बारे में आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अभी इसके हाल ही के टाइम में ग्रो ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको सिंपल तरीके से शेयर को बाई करना है और सिंपल तरीके से इसमें सेल कर देना है। तो इसका जो स्क्रीन है उसके इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आता है। जब भी आप अपने ग्रो ऐप को इंस्टॉल करके उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपके पास आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर और आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप ग्रो ऐप में अपना जो रजिस्ट्रेशन यानी कि डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ ग्रो ऐप के बारे में। जैसे ही आप ग्रो ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने स्क्रीन के इंटरफेस पर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है स्टॉक्स। स्टॉक्स में आपको यहाँ पर मिलता है बहुत सारे शेयर्स जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर सारे शेयर्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप अपने यहाँ पर शेयर्स को होल्डिंग भी कर सकते हैं यानी कि शेयर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर में सारे शेयर्स मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको होल्डिंग में आपके जितने भी खरीदे हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपने अभी वॉच लिस्ट में देखे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक शेयर्स रतन टाटा इंडिया पावर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो शेयर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हाल ही में इसका जो प्राइस है वो 16.24 रुपये चल रहा है और यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दे रखी है। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर कोई शेयर नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है उसका नाम। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है तो इसका शेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 126 रुपये, इसकी अभी हाल ही में जो है चल रही है मार्केट वैल्यू। और इसका आप यहाँ पर कैपेसिटी दे सकते हैं, मार्केट कैपेसिटी, PU रेशियो, TTM, PB रेशियो, डेब्ट इक्विटी, सब यहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉसेस सब यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो चार्ट एनालिसिस है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें दोस्तों सिंपल तरीके से आप अपना पेमेंट को जोड़ सकते हैं। आपको अपने जो भी अकाउंट है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड मनी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जितना भी ऐड करना चाहें, गूगल पे, फ़ोनपे किसी के माध्यम से आप यहाँ पर अपना पैसा जोड़ सकते हैं। इसके बाद शेयर को बाय करने के लिए आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जो भी शेयर आप सेलेक्ट करते हैं उसको यहाँ से आपको चेक करना होगा और यहाँ से आपको एक सेल और बाय का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको बाय करना है तो आपको बाय वाले बटन पर क्लिक करना है, सेल करना है तो आपको सेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका शेयर यहाँ से बाय और सेल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आपका आता है म्यूचुअल फंड, जो कि आप यहाँ पर बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे हाई रिटर्न SIP और यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग, लार्ज कैपेसिटी और मिड कैपेसिटी और स्मॉल कैपेसिटी सभी फंड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना चाहे उतना। हाई रिटर्न वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर हाई रिटर्न में सबसे पहले आदित्य बिरला सनलाइफ PSU इक्विटी फंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से अपनी डिटेल को देख सकते हैं। इसका फंड का साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है,
4711 करोड़ यहाँ पर इसका जो है फंड का साइज है। रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, इसके साथ होल्डिंग वाले यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रिटर्न रैंकिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसके जो भी आसपास के जो भी फंड्स हैं मिलते जुलते वो आप यहाँ पर सिमिलर फंड्स पर क्लिक करके देख सकते हैं, और भी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, आप कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वो रुपए यहाँ पर डालने पड़ेंगे, जैसे कि 1000, 2000, 5000, और जितने टाइम के लिए आप यहाँ पर SIP को सिलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पर डेट डालकर आपको सबमिट करना होगा। इससे पहले आपको अपने अकाउंट में जो है बैलेंस को ऐड करना होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। प्ले वाले यानी जो सामने ये पे का बटन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, मोबाइल रिचार्ज, DTH, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे बिल यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और कैशबैक मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रो ऐप को यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सेल को बाय और सेल कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आप किस प्रकार से ग्रो ऐप में बेस्ट जो फर्स्ट नंबर पर आपका ग्रो ऐप चल रहा है इसे आप कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से शेयर को बाय और सेल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।